अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स दिस इज सिदरा परवीन एंड ऑल ऑफ़ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिदराज टेक हाउस सो स्टूडेंट्स टुडे टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज़ इनपुट डिवाइसेस इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर जिसमें हमने कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी जो कि इनपुट आउटपुट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर थे तो आज हम उन्हीं टर्म्स में से एक टर्म है हमारे पास इनपुट और इनपुट से रिलेटेड हम कुछ डिवाइसेस को पढ़ने जा रहे हैं हम देखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं इन्हें हम क्यों यूज़ करते हैं और एक कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइसेस का होना क्यों ज़रूरी है सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इनपुट इनपुट क्या है एंड इनपुट इज़ अ डेटा दैट अ कंप्यूटर रिसीव्स मतलब इनपुट ये वो डेटा होता है जो कि कंप्यूटर रिसीव करता है फ्रॉम यूज़र या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये वो डेटा है जो कि यूज़र कंप्यूटर को दे रहा होता है ये क्या कहलाता है इनपुट कहलाता है अब इसी इनपुट के रिजल्ट में कुछ डेटा कंप्यूटर यूज़र को देता है उसे हम क्या कहते हैं आउटपुट कहते हैं तो फिर इनपुट डिवाइस क्या हैं एंड इनपुट डिवाइस प्रोवाइड अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर इनपुट डिवाइस क्या है एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन है या फिर हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन का सोर्स है बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो इनपुट डिवाइस हैं वो यूज़र एंड कंप्यूटर के बिटवीन जो है एज अ मीडियम काम करती हैं मतलब इन्हीं के थ्रू जो है यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन होती है अब कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो दो तरीक़ों से हो सकती है या तो इन गोइंग डेटा होगा या फिर आउट गोइंग होगा इन गोइंग डेटा यानी कि इनपुट और आउट गोइंग डेटा यानी कि आउटपुट तो इन गोइंग डेटा के लिए कौन से डिवाइसिस यूज़ होती हैं इनपुट डिवाइसिस यूज़ होती हैं अब यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ली है गूगल से इसमें हमारे पास सारी की सारी इनपुट डिवाइस हैं जैसे कैमरा हो गया टच स्क्रीन है स्कैनर है माइक्रोफोन जॉयस्टिक ट्रैक बाल वेब कैम कीबोर्ड एंड माउस तो हम इन सब को वन बाई वन डिस्कस करते हैं ठीक है ये मैंने इन सब के ना नाम लिख दिए सबसे पहले हमारे पास है कीबोर्ड कीबोर्ड क्या होता है कीबोर्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर इनपुट डिवाइस यूज़ टू इनपुट डेटा एंड कमांड्स टू द कंप्यूटर कीबोर्ड क्या है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली uh, जो है इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर uh, में क्या करती है डेटा को इनपुट uh, करने के लिए यूज़ होती है अब कीबोर्ड में हमारे पास कीज़ होती हैं ये uh, जो मोस्ट कॉमनली हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं को कीबोर्ड मतलब Q W E R T Y बिकॉज़ इसकी जो फर्स्ट सिक्स कैरेक्टर्स होते हैं वो यही होते हैं Q W E R T Y अब इसकी कितनी कीज़ होती हैं वन जीरो वन टू वन जीरो फ़ोर कीज़ होती हैं अब हमने कीज़ की भी डिफरेंट कैटेगरीज़ बना रखी हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं हमारे पास लाइक कैरेक्टर कीज़ फंक्शन कीज़ कर्सर कंट्रोल कीज़ एंड कीज ठीक हो गया और इसके अलावा स्पेशल पर्पस कीज़ भी होती हैं जैसे इंटर uh, हो गया शिफ्ट है कैप्स लॉक है स्पेस बार है टैब है प्रिंट uh, है आर्ट है कंट्रोल है ये डिफ़रेंट पर्पस के लिए यूज़ होती हैं तो ये देखें ये डायग्राम में ये हमारे पास सबसे पहले जो टॉप पे एफ़ वन टू एफ़ है इन्हें हम क्या कहते हैं फंक्शन कीज़ कहते हैं ये एफ़ वन टू एफ़ जो है ये सभी कीज़ जो हैं वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं जैसे एफ़ वन फॉर हेल्प इसी तरह डिफरेंट एफ़ फाइव जब हमने स्क्रीन को रिफ़्रेश करना होता है अपने पेज को रिफ़्रेश करना होता है तो हम क्या करते हैं एफ़ फाइव प्रेस करते हैं ठीक हो गया इसी तरह इस ब्लॉक को हम क्या कहते हैं बेस ब्लॉक मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम क्या कहते हैं बेस ब्लॉक इसमें आ, या फिर इससे हम अल्फा अल्फ़ानिक भी कहते हैं ठीक है इसमें ए टू जी सारे कैरेक्टर्स होते हैं नंबर्स होते हैं और इसमें स्पेशल पर्पस कीज भी होती हैं जैसे शिफ्ट हो गया इंटर बैक स्पेस टैब हो गया कैप्सलॉग शिफ्ट आल्ट इसी तरह ये सारी चीज़ होती हैं ठीक है थीके? और इस ब्लॉक को हम क्या कहते हैं नेविगेशन कहते हैं नेविगेशन मतलब नेविगेट करने के लिए माउस को नेविगेट करने के लिए जैसे ये अप एरो हो गया ये लेफ्ट एरो ये हमारे पास राइट एरो हो गया और ये डॉन एरे गया इसी तरह पेज पेजअप है पेज डॉन है होम है एंड है ये सारी हमारे पास क्या होती है नेविगेशन कीज होती हैं और इस पर्शन को हम क्या कहते हैं नंबर पैड मतलब इसमें जीरो टू नाइन हमारे पास नंबर्स होते हैं और जैसे प्लस हो गया स्टैरिक टी सी नेक्स्ट हमारे पास है माउस माउस क्या है माउस इज मोस्ट पॉपुलर हैंड हेल्ड एंड पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस एंड इट इज यूज एज पॉइंटर टू कंट्रोल द कर्सर ऑन द स्क्रीन ये डिवाइस क्या है ये माउस को सॉरी कर्सर को स्क्रीन पर कंट्रोल करने के लिए होते है जैसे ये है ये मेरा क्या है ये कर्सर है इसको मैं माउस के थ्रू जो है वो कंट्रोल कर रही हूँ ठीक है तो इसमें हमारे पास माउस ये डायग्राम में देखें इसमें हमारे पास दो बटन होते हैं एक हमारे पास राइट बटन होता है और दूसरा हमारे पास लेफ्ट बटन होता है जो राइट बटन होता है इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये राइट क्लिक कहलाता है और जब हम लेफ़्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो ये क्या कहलाता है लेफ़्ट क्लिक कहलाता है इसी तरह इसके राइट और लेफ़्ट क्लिक के डिफरेंट जूज़ हैं ठीक है सबसे पहले है डबल क्लिक अब डबल क्लिक क्या होता है कि जब भी हम डबल क्लिक पर यूज करते हैं तो ये डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है सबसे पहले है सेलेक्ट अ वर्ड किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करना हो तो हम उस पर क्या करते हैं डबल क्लिक करते हैं देखें ये अगर ये जो वर्ड लिखा हुआ है मैं अगर इस पर डबल क्लिक करूं तो ये क्या हो जाएगा ये सेलेक्ट हो जाएगा ठीक है उसके बाद है ओपन अ फाइल और फोल्डर ठीक है जब भी हमने किसी आ, फोल्डर या फिर किसी अपनी डॉक्यूमेंट को ओपन करना हो तो हम उस पर क्या करते हैं डबल क्लिक करते हैं और वो हमारी फ़ाइल जो है वो ओपन हो जाती है ठीक है इसी तरह ओपन अप प्रोग्राम या फिर आ, किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को जब हमने ओपन करना होता है तो तब भी हम क्या यूज़ करते हैं डबल क्लिक यूज़ करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास लेफ्ट क्लिक तो लेफ़्ट क्लिक क्या होता है लेफ्ट क्लिक जो है सिलेक्टिंग एंड ऑब्जेक्ट एंड डबल क्लिकिंग जो लेफ्ट क्लिक हमारे पास है वो किसी भी जब हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है तो हम उस पर क्या करते हैं लेफ्ट क्लिक करते हैं ठीक है और uh, जो डबल क्लिक हम करते हैं वो भी लेफ्ट बटन के थ्रू करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है राइट right क्लिक ठीक हो गया तो राइट right क्लिक में क्या है कि इट इज़ यूज टू ओपन पॉप अप मेन्यूज एंड कॉन्टेक्चुअल मेन्यूज जब भी हम राइट right क्लिक हमने करना होता है तो हम क्या करते हैं जैसे ही जैसे लेट्स सपोज हमने किसी फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक किया ठीक है तो उसमें क्या होगा डिफरेंट एक पॉप अप ओपन होगा ठीक है तो उसमें क्या होगा डिलीट का ऑप्शन होगा कॉपी का कट पेस्ट इसी तरह प्रॉपर्टीज डिफरेंट हमारे पास पूरे का पूरा एक मेन्यू आ जाता है ठीक है तो जिस मेन्यू में जैसे अगर हमने किसी फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक किया है तो वहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा कॉपी का ठीक है तो कॉपी हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा कॉपी हो जाएगा इसी तरह पेस्ट का ऑप्शन आता है डिफरेंट ऑप्शन आते हैं ठीक हो गया ये हमारे पास क्या हो गया राइट क्लिक नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोफोन माइक्रोफोन क्या है माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू इनपुट वॉइस एंड म्यूज़िक इनटू द कंप्यूटर दैट इज़ दैट इज़ देन स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्म जब भी हमने कंप्यूटर में अपनी वॉइस को पुट करना हो या फिर म्यूज़िक को पुट करना हो तो उसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं माइक्रोफोन यूज़ करते हैं और फिर वो हमारी वॉइस या फिर हमारे म्यूज़िक को किस चीज़ में कन्वर्ट कर देती है डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है नेक्स्ट है हमारे पास स्कैनर स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस विच रीड्स हार्ड कॉपी इमेज एंड देन कन्वर्ट्स देम इनटू डिजिटल फॉर्म स्कैनर वर्क्स मोर लाइक अ फोटो कापी मशीन स्कैनर क्या है स्कैनर एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो कि हमसे हार्ड कॉपी लेते अब हार्ड कॉपी क्या होती है हार्ड कॉपी जैसे आपके प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स uh, हो गए या फिर अगर मैं पहले ज़माने की बात करूँ तो पहले ज़माने में स्मार्टफोन्स uh, या लैपटॉप्स तो नहीं होते थे तो लोग जब भी अपनी पिक्स बनवाते थे तो वो उन्हें डिवेलप करवा के रखते थे तो वो क्या होती थी आ वो हमारे पास एक हार्ड कॉपी होती थी जैसे हमारी बुक्स हो गई वो किस फॉर्म में होती हैं वो हार्ड फॉर्म में होती हैं तो ये क्या करता है उन सबको यानी कि हार्ड कॉपी को क्या करता है स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद जो है वो उन्हें क्या कर देता है डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है मतलब तो जैसे अगर हमारे पास एक कोई पिक्चर डिवेलप हुई हुई पड़ी है या फिर हमारे कोई नोट्स हैं जो कि हार्ड कॉपी में पड़े हैं और हम उन्हें चाहते हैं कि हम उन्हें अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल में सेव कर लें तो हम उन्हें क्या करवाएंगे स्कैन करवाएंगे मतलब वही जो प्रिंटेड फॉर्म होगा वो हम स्कैनर में रखेंगे स्कैनर उसको क्या करेगा स्कैन करेगा एंड देन डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव कर देगा ठीक है नेक्स्ट uh, है हमारे पास लाइट पेन लाइट पेन इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस सिमिलर टू अ पेन दैट यूटिलाइज़ अ लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट आर ड्रा पिक्चर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन अब लाइट पेन क्या है लाइट पेन में uh, एक स्पेसिफिक लाइट यूज़ की जाती है जैसे uh, हम कहते हैं लेज़र लाइट ठीक है हो गया वो लाइट्स यूज़ की जाती हैं और ये क्या करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट uh, करने के लिए या फिर पिक्चर्स को ड्रा करने के लिए यूज़ uh, किया जाता है मतलब जैसे जैसे पॉइंट ये पेन जो है वो स्क्रीन पर मूव करेगा वैसे वैसे जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं ठीक है आ, ग्राफिक डिज़ाइनर जो है कैड यानी कि कंप्यूटर एडिट डिज़ाइनिंग जब उन्होंने कोई पिक्चर्स ड्रा करनी होती हैं या इस टाइप का तो वो क्या करते हैं लाइट पेन को यूज़ करते हैं जैसे जैसे स्क्रीन पर लाइट पेन मूव होता है तो वैसे वैसे पिक्चर जो है ड्रा होती है या फिर स्क्रीन पर अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो वो क्या हो जाता है सिलेक्ट हो जाता है नेक्स्ट हमारे पास है टच स्क्रीन टच स्क्रीन जैसा कि हमारे आजकल स्मार्टफोन्स हो गए ठीक है ये इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या होते हैं टच स्क्रीन होते हैं या फिर मोस्टली आजकल के जो लैपटॉप्स हैं वो भी टच स्क्रीन है ठीक है और टच स्क्रीन की अगर मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दूँ जैसे एटीएम की मशीन होती है ठीक है तो एटीएम में क्या होता है एटीएम uh, पर जब हम जाते हैं अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं सबसे पहले वो हमसे हमारी लैंग्वेज सेलेक्ट करवाते हैं कि आप उर्दू में करना चाहते हैं या इंग्गलिश में अगर हम इंग्लिश पर टच करते हैं तो वो नेक्स्ट uh, जितनी भी हमसे कमांड्स uh, देते हैं तो वो सारी इंग्लिश में लिखी हुई आ जाती हैं अगर उर्दू सेलेक्ट करते हैं तो बाकी सारी चीज़ें उर्दू में लिखी हुई आती हैं देन हम अपना पिन कार्ड इंटर करते हैं अमाउंट इंटर करके और फिर हम पैसे निकलवा लेते हैं तो ये क्या होती हैं टच स्क्रीन होती हैं टच स्क्रीन आर मोनिटर्स डिस्प्ले स्क्रीन डिटेक्ट वेयर टचड जहाँ पर हम टच करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डिटेक्ट हो जाते हैं। जैसे स्मार्टफोन की एग्जांपल लें जो हमने एप्लीकेशन ओपन करनी हो जैसे व्हाट्सअप ओपन करनी हो या फेसबुक ओपन करनी हो तो हम उसके ऊपर तो क्लिक करते हैं और वो क्या हो जाती हैं ओपन हो जाती हैं नेक्स्ट है हमारे पास एम आई सी आर मैगनेटिक इंक कार्ड रीडर और ये डिवाइस जो है ये बैंक्स में यूज होती है ठीक है जो हमारे एम, होते हैं सॉरी चेक्स uh, होते हैं ठीक है इनके ऊपर क्या होता है इनकी uh, बिल्कुल uh, हम जिसे हम कहते हैं बॉटम पे एक uh, नौ नंबर का कोड लिखा होता है और उसे हम कहते हैं एम आई सी आर ठीक हो गया ये क्या होता है एम आई सी आर और इसी एम आई सी आर कोड को प्रोसेस करने के लिए एक डिवाइस यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर इट इज़ मोस्टली यूज इन बैंक टू प्रोसेस द चेक्स चेक्स को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होती है द बैंक्स कोड नंबर एंड चेक नंबर आर प्रिंटेड ऑन द चेक विद अ स्पेशल मैग्नेटिक इंक दैट ऑनक विदेशल मैग्नेटिकबल यानी कि ये जो नंबर्स होते हैं ये किसी आम इंक से नहीं लिखे होते बल्कि ये एक मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं जिन्हें सिर्फ मशीन ही पढ़ सकती है ठीक है तो अब इसके तीन पार्ट्स होते हैं नौ नंबर का कोड होता है देखें ये नौ नंबर हो गए ठीक है अब इनको तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है ठीक है जो फर्स्ट थ्री होते हैं वो सिटी कोड बता रहे होते हैं ठीक हो गया जो सेकंड थ्री होते हैं वो बैंक कोड बता रहे होते हैं और जो थर्ड थ्री हैं वो बैंक ब्रांच बता रहे होते हैं फर्स्ट थ्री सिटी कोड सिटी कोड का ये मतलब है कि अगर आपके पास चेक है और आपने अमाउंट uh, अपनी निकलवानी है तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि ये बैंक uh, जो है वो किस सिटी में हो गया ठीक है सिटी uh, कोड uh, हो गया ठीक है उसके बाद सेकंड थ्री जो है वो बैंक कोड को बताएंगे मतलब बैंक कौन सा है जैसे बैंक अल हबीब हो गया बैंक अल फला हो गया डिफरेंट टाइप के बैंक्स होते हैं ना ठीक है तो ये बैंक के बारे में बताएगा कि बैंक है कौन सा थर्ड थ्री uh, जो है वो डिनोट करेंगे बैंक ब्रांच के कि अगर हबीब बैंक है तो उसकी कौन सी ब्रांच है वो ब्रांच नंबर बताएंगे ठीक हो गया नेक्स्ट है हमारे पास ओ एम आर ठीक हो गया ओ एम आर क्या होती है ओ एम आर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन दिस एकोरेट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इज़ यूज फॉर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम फिल इन द बबल टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन द स्टूडेंट टेस्ट सर्वे एवेलोएशन एंड मैनी अदर टाइप ऑफ द फॉर्म्स मतलब ये कि जो हमारे एग्जाम uh, में शीट्स आती हैं वो क्या होती हैं uh, वो ओ एम आर शीट्स होती हैं ठीक हो गया अब ये ओ एम आर डिवाइस जो है वो उन शीट्स को क्या करती है चेक करती है जैसे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी ठीक है तो जो स्टूडेंट जो ऑप्शन फिलअप करेगा ठीक है तो वो क्या होगा प्रोमिनेंट हो जाएगा और उस डिवाइस को एक जो ओ एम आर डिवाइस है उसको एक की प्रोवाइड की जाती है कि इन इस क्वेश्चन का ये आंसर है अब स्टूडेंट ने जो आंसर फिलअप किया है वो उन दोनों को मैच करेगा क्योंकि जो हम फिलअप करते हैं वो प्रोमिनेंट हो जाता है तो फिर अगर दोनों का आंसर मैच होता है तो वो उसको करेक्ट कर देती है अदरवाइज रॉन्ग कर देती है तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास इनपुट डिवाइस अगर आपको ए, इस टॉपिक में से कुछ भी समझ ना आया हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं बट जाने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्राज टेक हाउस लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़